ओके ब्रदर, अच्छा लगा मिलकर। जय हिंद सर। ओके सर, चलो जय हिंद सर। चलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज है आपका कुछ 15 नवंबर आई गेस, और अभी हम लोग है डोडा में। तो पिछले एपिसोड में जैसे मैंने कहा था, किश्तवाड़ हम लोग पहुंच नहीं पाए थे क्योंकि बहुत थक गए थे, इसीलिए हमने सोचा कि डोडा बेस्ट ऑप्शन होगा हमारे लिए, और सामने भी थे, डोडा के सामने थे, तो इसीलिए डोडा में हम लोग स्टे कर गए। रात भी हो चुका था। तो रूम का हाल हम लोगों का कुछ ऐसा है, रात को हम लोग ऐसे ही सो गए थे। देखिए सब फैला हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा अभी हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र हो रहा है, सब कुछ ट्रांसफ़र करके जितना भी डेटा है, वीडियो है, सब ट्रांसफ़र कर रहा हूँ करके। उसके बाद फ़ोन को चार्ज करना है, चार्ज करने के बाद फिर निकलेंगे हम लोग। 8 बजे का प्लानिंग था निकलने का, लेकिन हो नहीं पाया, तो पता नहीं कितने बजे निकलेंगे। अभी नाश्ता भी नहीं किया, तो रास्ते में नाश्ता कर लेंगे। फ़िलहाल अभी निकलते हैं, फ्रेश होके अभी निकलना पड़ेगा हमें। तो चलो रास्ते में मिलते हैं। पेट्रोल भी डालना है, डोडा में पेट्रोल पंप मिल जाएगा, BHP का पेट्रोल पंप है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि पेट्रोल स्टॉक में रख लूँ, लेकिन लग नहीं रहा है पेट्रोल चाहिए, क्योंकि किश्तवाड़ में भी पेट्रोल पंप है, लास्ट पेट्रोल पंप किल्लर जाने से पहले। तो इसीलिए देखते हैं, अगर 5 लीटर हो सकता है कुछ स्टॉक में, 5 लीटर रख लेंगे इन केस अगर ज़रूरत पड़ा तो। तो चलो निकलते हैं, फ्रेश होते हैं अभी। तो दोस्तों फ्रेश होते होते हम लोगों को लगभग 10 बज गया है, ऑलरेडी 2 घंटा लेट पे चल रहे हैं हम लोग। अभी बाइक में सामान पैक करना है, मेरा तो सामान चलिए जल्दी पैक हो जाएगा, लेकिन कहानी है बिल्लू भाई का, उनका सामान पैक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलो पैकिंग चालू करते हैं फिलहाल बाइक में। दोस्तों अभी हम लोग डोडा से निकल पड़े हैं, और यहाँ पे सामने BHP का पंप है, वहाँ पे पेट्रोल फुल करना है। पेट्रोल नहीं है यार, अगर किश्तवाड़ में नहीं मिला ना पेट्रोल, बहुत दिक्कत हो जाएगा। हमें लेफ्ट निकलते हैं टुवर्ड किश्तवाड़।
इसे ही हमारा एडवेंचर चालू। तो मैंने तो यहाँ पे स्पेयर नहीं लिया पेट्रोल। और बल्लू भाई कितना भर रहे हो? 10 से 12 लीटर ही है, तो ये 10 लीटर भर रहे हो अभी। आज देखते कोशिश करते चंबा का तो प्लान है, अभी देखते कितना दूर पहुंचेंगे, लेट भी हो चुके हैं। चंबा तो पहुंचना मुश्किल है जैसे लग रहा है। हाँ नहीं, किल्लर तक रुक जाएंगे। केलोंग पहुंच जाओगे आज? नहीं केलोंग जाएंगे नहीं ना, हम लोग तो राइट नहीं हो। केलोंग तो आपका सीधा वो क्या नाम है, मनाली वाला रास्ता हो जाएगा वो। हाँ हाँ, हम लोग राइट मोड़ जाएंगे। हम लोग सचपात होकर चंबा जाएंगे। खुला है ना सचपात? वाह, तो यहाँ पे कुछ चेकिंग वगैरह चल रहा था, तो ये एक्चुअली मिलिट्री बेस कैंप है और यहाँ पे शायद जैमर वगैरह भी लगा हुआ है। हमारा यहाँ पे जो सैटेलाइट का जो GPS है वो भी थोड़ा सा उल्टा सीधा बता रहा था, बल्लू भाई के पास जो GPS रखा हुआ है। दोस्तों हम लोग अभी किश्तवाड़ पहुंच गए और ये है किश्तवाड़ का सिटी। यहाँ से हमें राइट लेना है किल्लर के लिए, तो ये राइट कहाँ से आएगा? कहाँ जाना सर? केलाड़। केलाड़ केलाड़ जाना है। हाँ केलाड़, ये वाला रास्ता है। आप पहले आए थे यहाँ पे? हाँ हाँ, पहले मैं वहाँ पे था, वापस गए। हाँ फिर दोबारा आए? दोबारा आया। हाँ बताइए। मैं वहाँ पे खड़ा था, कोई नहीं आता वहाँ पे। ओके कोई बात नहीं, हो जाते हैं। ओके भाई, तो मतलब इनका कहना ये था कि मैं वहाँ पे आया था, रुका था और इन्होंने मुझे मतलब पेट्रोल नहीं दिया, मैं वापस चला गया। तो इसीलिए उनके स्टाफ को ये बता रहे थे, यार ये बहुत बढ़िया है ये चीज़। तो इसमें यार ऐसा अगर हर जगह पे होता ना, मज़ा आ जाता।
पार्क वाला रास्ता जिसका नाम है किल्लर किश्तवाड़, जिसे कहते हैं हम लोग वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड। सच में खतरा है क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। खराब रास्ता चालू कि लड़का, हाँ ये रास्ता बहुत ख़राब होगा। यहाँ से 15 किलोमीटर पूरा ख़राब है। हाँ पूरा 15 किलोमीटर ख़राब है, संभाल के चलाना। क्या हुआ, ब्रेक मत दबाओ पीछे वाला। ये रास्ता सच में बहुत ख़राब है। और ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, रात को आप जब इसी रास्ते से निकलोगे लगेगा कोई भूत ऊपर खड़ा है। मतलब देखिए सामने, देखिए वो रास्ता, इसमें लगेगा कोई भूत खड़ा है ऊपर। मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा इस रास्ते से रात को जाने के लिए, क्योंकि बहुत ख़राब रास्ता है ये। दिन में चलाना अलग बात है और रात के लिए अलग है। देखिए ये स्लोप बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक स्लोप है ये। तो देखो स्पीड कर रहा है। अबे यार, अबे यार, देखा देखा मैं कहा था ना। अरे ये रास्ता तो बहुत ख़तरनाक है। हाँ रुको, क्या है? ओ बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। खतरनाक है तो निकलो। एक बात ध्यान रखना। क्या? कुछ भी हो जाए हाँ नदी की तरफ मत आओ। ना ना साइड से निकल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना। कौन सा रास्ता? हाँ रास्ता कौन सा है? सीधा है बाया? तो चलो सीधा। हाँ
हाँ जो जीपीएस बता रहे वही चलो, उसी को ही फॉलो करो, और कोई उपाय नहीं। ऊपर से गाड़ी आ रहा है क्या कोई? नहीं तो रुक जाओ यहाँ पे, गाड़ी कोई आता है पूछ लेते, साइड कर देते। हाँ खतरा नहीं उठा सकते। क्यों, खतरे में क्या है? अरे खतरा इधर से यार, देख रहा है ये कुछ मछली है। हाँ तो साइड करके रुकेंगे ना सामने। हाँ तो आ भी सकता है ना, सामने सीधा रास्ता है ये भी, वो तो चढ़ाई, वो भी तो चढ़ाई है, ये इतना सा ढलाना फिर सामने। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग सीधा ही निकल रहे हैं, देखते हैं भगवान भरोसे ये रास्ता कहाँ जाएगा। चलो सीधा देखते हैं, रास्ता तो ख़राब है ही पैच पूरा, और आगे और भी कितना ख़राब आएगा। यही कहानी है रात को निकलने का, एडवेंचर तो होता है लेकिन अगर कोई सड़क इस तरह मिल जाए तब जाके दिक्कत हो जाता है। भाई साहब ठंड बहुत है, मेरा तो हाथ पूरा सुन हो गया यहाँ पे, और फिलहाल अंदर शरीर के अंदर ठंड नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत कुछ चढ़ा रखा है, चार पांच तो लेयर है मेरे अंदर, इसीलिए अंदर ठंड नहीं लग रहा है। लेकिन ये रास्ता नीचे जा रहा है, पता नहीं क्या कहानी है रास्ते का। ओ बाप रे, कुछ 24 किलोमीटर ही है यहाँ से किल्लर, लेकिन ये कंधे में कम से कम 2 घंटा के ऊपर लग जाएगा हमें। लेकिन किल्लर का रास्ता जैसे मैंने देखा था वीडियो वगैरह में, किल्लर का रास्ता ऐसा ही है, उसका जो पहाड़ है वो ऐसा रहता है, तो जो अभी हमें मिल रहा है फिलहाल। और किल्लर का रास्ता बहुत पतला है, तो और ऊपर का जो रास्ता जा रहा था ना वो रास्ता मतलब बहुत चौड़ा था, तो ये मुझे थोड़ा सा खटका कि किल्लर का तो रास्ता पतला होगा और ऊपर का रास्ता तो उसका चौड़ाई ज़्यादा है। और रेत भी था शुरू में, मतलब गाड़ी ज़्यादा गया नहीं और यहाँ पे रेत कम है, और ऊपर से नीचे मुझे पानी का आवाज़ मिला है, मतलब नीचे नहीं सीधे वाले रास्ते में ग्लेशियर मेल्ट का आवाज़ मिला है, तो इसीलिए थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ। क्योंकि मेरा जो सिक्स सेंस बता रहा है जो हमेशा उल्टा होता है, पता नहीं इस बार सही हो तो भी सकता है, वो मुझे ये वाला रास्ते की तरफ इशारा कर रहा था शुरू से ही। बल्लू भाई बता रहे थे बाएं वाला रास्ता लेना है, लेकिन मुझे ये वाला रास्ता शुरू से ही लग रहा था। और फिर हिमालयन के कंपास में भी लिखा था कि नॉर्थ सीधा है और बायां नॉर्थ ईस्ट, तो हमें अगर एज़ पर कंपास भी चले तो नॉर्थ हमें पकड़ना चाहिए हमेशा। देखिए रास्ता, देखिए क्या हाल है रास्ते का। ओ बाप रे बाप, ये क्या है भाई, पानी। अच्छा ये स्ट्रेच पूरा ऐसा ही रहेगा जैसे मुझे लग रहा है, लौटना ना पड़े बस यहाँ से, ये रास्ते हमें पहुँचा दे बस। मैं तो बहुत स्लो चला रहा हूँ,
रास्ता शायद आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि डोमिनर का एलईडी जो है बहुत पावरफुल एलईडी है और पूरा रास्ता कवर कर लेता है। ये एक अच्छी बात है डोमिनर में, जो हिमालयन का स्टॉक लाइटों में नहीं है। अब डोमिनर लेके चलाएंगे ना तो आपको कोई और लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है उसका। पानी पानी है लेकिन ये रास्ता सही है, मैंने ये वीडियो में देखा था ये रास्ता। ये देखो यार पूरा झरने गिरा है और मेरे जूते के नीचे पानी घुस गया। कैसे गिर गए? अबे इधर से उठेगी, इधर से। हाँ कैसे उठाओगे? हैंडल पकड़ो वहाँ से। एक मिनट, अभी नहीं पकड़ा। एक दो तीन बताऊंगा, ठीक है? एक दो तीन उठा, रुक जा, पकड़ के रखो ना। हाँ पकड़ के रखा हूँ, उठाओ। बस स्टैंड डाल दो, गियर में। गियर में तो है, बस स्टैंड डाल दो अभी। इसको निकालते हैं। हाँ बस बैठ जाएगा। हाँ लगी तो नहीं? नहीं। क्या हो गया, स्पीड हो गया था क्या? हाँ। यही है क्या हिमाचल जम्मू का चेक पोस्ट? किल्लर कितना किलोमीटर होगा? किल्लर? हाँ कितना किलोमीटर है? और 20 किलोमीटर। चेक पोस्ट में यहाँ पे नाम वगैरह एंट्री कर लिया है हमारे और अभी हम लोग फाइनली एंटर कर चुके हैं हिमाचल। और यहाँ से कुछ है चेक पोस्ट का नाम है जो सनसरी हिमाचल बॉर्डर चेक पोस्ट। ये जम्मू, ये है हिमाचल बॉर्डर का चेक पोस्ट और यहाँ से आपको किल्लर पड़ जाएगा कुछ 20 किलोमीटर। क्या करोगे, बारिश चलता जाएगा तो रात को यहाँ पे रुकोगे? चलो बारिश कम भी हो सकता है ना बीच में। चलो यहाँ पे हो रहा है, अगले पहाड़ में नहीं हो रहा है, देखते हैं ना। चलो क्या करोगे रुक के? और फ़ायदा क्या है? फिर से घुमाओगे रुक के, क्या करोगे यहाँ पे? वही तो बता रहा हूँ मैं, बाइक वगैरह कपड़ा वगैरह वैसे भीगेगा, क्या करोगे? 20 किलोमीटर ही तो है, 1 घंटा बता रहा है रुक के, और लेट हो जाएगा ना फिर, वहाँ पे मिलेगा नहीं होटल किल्लर में, रात को दिक्कत हो जाएगा।